आप देख रहे हैं TNB। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक समय रिकॉर्ड 5.9 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। OTT पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा था। हालांकि जैसे जैसे मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाने लगा, वैसे वैसे व्यूअर्स की संख्या घटती गई। इससे पहले ये रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में 15 नवंबर को खेले गए भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के मैच में नाम था, जिसे करीब 5.3 करोड़ लोगों ने OTT पर देखा था। वही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में करीब 1,03,000 दर्शक मौजूद थे। दरअसल विश्व कप मैचों के ब्रॉडकास्ट राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इसके अलावा फैंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 9 जून को ऐलान किया था कि यूजर्स ऐप पर एशिया कप 2023 और ICC मेंस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैच फ्री में देख सकेंगे। हॉटस्टार अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी के जियो सिनेमा का तरीका आजमा रहा है। ऐसा करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार जियो सिनेमा की इंडिया में ग्रोथ को चैलेंज करना चाहता है। जियो सिनेमा ने IPL 2023 के सभी मैच फ्री में दिखाए थे, जिसे कंपनी को रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली थी। अंबानी की मीडिया वेंचर ने IPL के डिजिटल राइट्स हासिल करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार समेत अन्य कई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद से भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पेड सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे हैं। एक साल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लगभग 2.27 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। इसमें पिछली तिमाही में 28 लाख कस्टमर्स की गिरावट भी शामिल है। सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में OTT का कुल कस्टमर बेस घटकर 3.76 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल अक्टूबर में 6.13 करोड़ था। जियो सिनेमा ऐप IPL 2023 का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर था। रिलायंस के वॉयकम 18 ने 2023 से 2027 तक लगभग $2.9 अरब यानी कि 23,917 करोड़ रुपए IPL डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल किए थे, जो पहले डिज्नी के पास थे। और भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में एक 6 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वनडे कप का खिताब जीता। इस हार ने भारतीय फैंस को 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिला दी। 20 साल पहले कंगारुओं ने हमें जोहान्सबर्ग में 125 रन से हराया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पर ऑल आउट हो गई। 241 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने 137 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशियन ने नाबाद 58 रन बनाए। इससे पहले मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।